आज पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड मींस एको पढ़ेंगे। तो ये है व्हाट इज़ अ एको। तो एक्चुअल में अगर आपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं पढ़ा कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है, इसके क्या कंडीशन होती हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ अ एको। सो एको इज़ नथिंग बट ओनली रिपीटेशन ऑफ अ साउंड। ओके, सिर्फ साउंड का रिपीटेशन होता है। साउंड का रिपीटेशन होना, वो भी किससे रिपीटेशन होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का रिफ्लेक्शन से ही साउंड का कंटिन्यू रिपीट होना इज कॉल्ड एन एको। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहाड़ होते हैं, माउंटेन, इधर पे खड़े होकर के किसी ने साउटिंग की और फिर वो आवाज़ साउंड रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर से साउंड रिफ्लेक्शन, साउंड फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, अगेन अगेन ऐसे रिफ्लेक्ट होता रहेगा और हमें कंटिन्यू आवाज़ सुनाई देता रहेगा। पहाड़ों पर जब हम चिल्लाते हैं, 3-4 बार रिपीट होती है, राम 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 रिपीट करके होते हैं, वही चीज़ एको होती है। ओके, सो ये एको की क्या कंडीशन है जो एको प्रोड्यूस होता है? मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है कि रिपीट होती है बातें, आई मीन रिपीटेशन ऑफ साउंड जो बाथरूम में भी होता है। एक्चुअल में बाथरूम में रिपीट नहीं होती है, लेकिन गूंजती है हमारी आवाज़, खाली कमरों में गूंजती है आवाज़, लेकिन वही जो हम बोलते हैं वही एग्जैक्ट हमें सुनाई नहीं देता। तो इसकी क्या कंडीशन है, कितनी मिनिमम डिस्टेंस पर वो एको प्रोड्यूस होता है, तो उसकी कुछ कंडीशन है हम देख लेते हैं। ओके, सो वी कैन हियर द ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड सेपरेटली ओनली इफ देयर इज अ टाइम इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1/10 ऑफ अ सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड। तो इसका बिल्कुल ईजी सा, बहुत ही ईजी है, क्या है कि ह्यूमन हियर जो अगर विद इन 0.1 सेकेंड के अंदर साउंड रिफ्लेक्ट होता है तो नहीं सुन सकता। मतलब सपोज एक साउंड ये आया, एक साउंड ये आया, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्शन साउंड, ठीक है, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्शन साउंड दोनों ही विद इन 0.1 सेकेंड के अंदर हुआ, सो ह्यूमन कांट हियर, ये साइंटिफिक प्रूफ किया गया। ओके, तो वो नहीं सुन सकता। लेकिन अगर दो साउंड वेव के बीच डिफरेंट 0.1 सेकेंड का है, सो वो बहुत इजी से दोनों सुन सकता है। ओके, सो कितनी डिस्टेंस पर एको प्रोड्यूस होता है, आइए देखते हैं। सो हमने ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से देखा है, क्या डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। ओके, हमें डिस्टेंस पता है, सॉरी डिस्टेंस तो हमें फाइंड करना है। सो स्पीड, स्पीड कितनी होती है एयर में नॉर्मल 20 डिग्री सेल्सियस पे, 344 मीटर पर सेकेंड है ना, एयर में साउंड की स्पीड होती है। ये भी हमने फाइंड किया हुआ प्रीवियस वीडियो में, आप देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप चेक कर लीजिए। ओके, सो टाइम, टाइम हमारा कितना हम सुन सकते हैं 0.1 सेकेंड में, तो आंसर कितना आएगा 34.4। सो साउंड डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आइए देखते हैं कैसे। सपोज यहाँ पर एक वॉल है, ओके, यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, इसने साउटिंग की, सो साउंड इधर जाएगा फिर रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आएगा, तो डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है। डबल डिस्टेंस कितनी, 34.4, तो मींस इसके बीच में कितनी डिस्टेंस हुई, एक्चुअल 34.4 कट आधा यानी कि 17.2 मीटर। सो इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है जी, 17.2 मीटर। तो वॉल के बीच में 17.2 मीटर डिस्टेंस होने पर हम एको प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम एको इजी से सुन सकते हैं, जो कि बाथरूम में 17.2 मीटर नहीं होता है, इसकी वजह से हमारी आवाज़ सिर्फ गूंजती है। ओके, सो स्पीड ऑफ अ साउंड इज मोर ऑन हॉट डे, देयर फॉर एन एको इज हियर सूनर ऑन हॉट डे देन अ कोल्ड डे। इसका मतलब क्या, जो साउंड की स्पीड होती है वो हॉट डे में बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली एको जो प्रोड्यूस होगा वो हॉट डे में हम बहुत अच्छे से जल्दी सुन सकते हैं कंपैरिजन ऑन कोल्ड डे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना, कई बार कंपटीशन क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि स्पीड ऑफ साउंड हॉट डे में, ठीक है, ऑन हॉट डे जो रहती है ग्रेटर देन रहती है स्पीड ऑफ साउंड इन कोल्ड डे में। सो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि कोल्ड डे में मीन एको इज हियर्ड सूनर इन हॉट डे और कोल्ड डे, सो हॉट डे में ऑब्वियसली। ओके,
सो साउंड ट्रेवल्स इन अ वाटर ऑब्वियसली, तो फिर एको प्रोड्यूस होगा वाटर में, बिल्कुल होता है। तो वो क्या एको की मिनिमम डिस्टेंस जो एयर में होती है क्या वही होगी 17.2 मीटर? नहीं, क्यों? क्योंकि वाटर में साउंड की स्पीड एयर की स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है, जिससे डिस्टेंस भी अलग होना चाहिए। आइए तो वो डिस्टेंस कितनी होती है तो वो फाइंड कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस, एक सेकेंड, तो डिस्टेंस इक्वल हमें पता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। स्पीड कितनी थी वाटर में? 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल बहुत पास पास में होते हैं, जो मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है, आप उधर जाके देख लीजिए। इनटू टाइम, अच्छा टाइम कितना होता है? टाइम वही हम 0.1 में सुन सकते हैं, तो कितना आया 150 मीटर। तो हमें पता है जैसा कि अभी मैंने बताया साउंड डबल डिस्टेंस कवर करता है, एक ओरिजिनल साउंड फिर रिफ्लेक्शन, यानी कि इसका हाफ करेंगे उसके बीच के डिस्टेंस कितनी होगी 75 मीटर। सो वाटर में एको प्रोड्यूस करने के लिए 75 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होती है। ओके, सो ये रहे हमारा कुछ टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिवर्बरेशन पढ़ेंगे, जो कि हॉल में हमारा बहुत अच्छे से साउंड प्रोड्यूस होता है लेकिन एको प्रोड्यूस नहीं होता, जैसे ऑडिटोरियम वगैरह में और फिल्म इंडस्ट्रीज जहाँ पे टॉकीज वगैरह होती है, वहाँ पे हम मूवी देखते हैं तो मूवी का साउंड मीनिंग रिफ्लेक्ट नहीं होता, एको नहीं होता। अगर वहाँ एको हो जाएगा तो फिर तो हमें मूवी ही समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं होता? कि वो तो खाली हॉल होता है इतना बड़ा, उस वहाँ क्यों नहीं होता, वहाँ एको क्यों प्रोड्यूस नहीं होता है? तो वहाँ एको को प्रोड्यूस करने के लिए ख़त्म कर दिया जाता है एको, ताकि प्रोड्यूस ना, कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती है। तो हम वो आगे पढ़ेंगे रिवर्बरेशन में। ओके, और नेक्स्ट भी और वीडियो में मतलब काफ़ी हम पढ़ेंगे इसके, क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं हम, टाइप्स ऑफ साउंड भी पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ साउंड क्या होते हैं, अल्ट्रा वायलेट साउंड वगैरह, और ह्यूमन कितना साउंड हेयर कर सकता है कितना नहीं कर सकता है, सो मिनिमम साउंड कितना होता है, और जो एनिमल्स होते हैं वो कितना साउंड हेयर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, और मैं NCERT के सारे पूरे सोल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वीडियो में अपलोड कर दूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।